हे गाइस, मैं हूं नीलम और आज है 25 जुलाई और आज है नागपंचमी। तो हमारे यहाँ नागपंचमी पर क्या क्या प्रिपरेशन होती है, कैसे क्या क्या कुकिंग होती है, जो हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से बनती आ रही है और किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नागपंचमी, इस ब्लॉग में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोगों का नागपंचमी के दिन रूटीन कैसा होता है। तो ब्लॉग को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का रूटीन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ खोया, यानी कि दूध को, दूध का जो खोया बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि इससे बनेगी एक स्वीट डिश जो हमारे यहाँ पर परंपरागत तरीके से नागपंचमी पर बनती है। तो चलिए दिखाते हैं। सो गाइस, ये है मेरा किचन और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खोया। अभी दिख रहे हैं। सो गाइस, खोया हमारा लगभग बन चुका है, पर अभी इसको थोड़ा सा हम और रोस्ट, थोड़ा सा और पकाएंगे। इसमें रेडी हो गया है और अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और बाकी का हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी सिस्टर ने यहाँ पर पूड़ियों बनाने के लिए आटा तैयार कर रखा है और अब वो कचौड़ी बनाने का आटा तैयार करने जा रही हैं और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आटा ले रखा है और उसमें वो रिफाइंड डाल रही हैं ताकि इसमें मोयन पड़ जाए और हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बने, बहुत ही स्वादिष्ट बने। और मोयन डालने के बाद, और कचौड़ी में फ्रेंड बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डाला जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है, तो उन्होंने इसमें मोयन डाल दिया है और मोयन डालने के लिए यहाँ पर वो रिफाइंड का यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर कचौड़ी का जो मार्केट में मसाला आता है वो इन्होंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर वो एक चम्मच नमक डाल रही हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, हम सभी लोग मिलकर खाना वगैरह बनाते हैं तो हम सभी लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। कुछ काम हम करेंगे, कुछ हमारी सिस्टर करेंगी, सभी लोग मिलकर फैमिली में सारा काम करते हैं। तो मोयन वगैरह इन्होंने डाल दिया सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसका मैं डो तैयार कर लेंगी। सारी चीज़ों को मिक्स करके इन्होंने फिर पानी के साथ इसका अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आलू बॉइल करने जा रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ बनेगी आलू और कचौड़ी सब्जी, जो कि फेस्टिवल स्पेशल होती है, इंडिया में बहुत पसंद की जाती है। तो मैंने यहाँ पर आलू रख दिया है इसको बॉइल करने के लिए। पहले मैं इसको बॉइल करूँगी, उसके बाद मैं इसको बॉइल करूँगी क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और जल्दी से बॉइल हो जाता है। तो फ्रेंड, अब हम बना रहे हैं सब्जी और इसके लिए हमने यहाँ पर प्याज और तेज पत्ते का तड़का दे दिया है और अब हम इसको पका लेंगे। उसके बाद फ्रेंड, हम यहाँ पर डाल रहे हैं टमाटर और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें साल्ट भी डाल दिया है, जिससे टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, टमाटर हमारा पक चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ले रखा है साथ में, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको चलाकर थोड़ा सा इसको पकने देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी भी डाल रही हूँ ताकि ये जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। उसके बाद फ्रेंड, सारे मसाले पक चुके हैं और अब हम इसमें उबले हुए आलूओं को डाल देंगे और आलू हमने बड़े बड़े पीसेस कट कर रखे हैं तो इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे। आलूओं को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर बॉयल किया हुआ कद्दू डाल रहे हैं, जिसको हमने बड़े बड़े पीसेस में काट रखा है। बहुत ज़्यादा पतले पीसेस हमने नहीं काटे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने उबाल रखी हैं तो ये सब्जियों में बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हमने इसके बड़े बड़े पीसेस काट रखे हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस सब्जी को 10-12 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं और इसको स्लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक पका लेंगे, जिससे सारे मसाले इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पका लूँगी। तो फ्रेंड, एक तरफ हम इस सब्जी को पकने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ अब हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ियाँ। तो हम
तो फ्रेंड मैं कचौरियाँ बनाऊंगी और मेरी सिस्टर उसको फ्राई करेंगी। एक तरफ सब्जी पक रही है और दूसरी तरफ हम कचौरियाँ फ्राई करेंगे। बतिया है खाती कर ऐसे दिखाई दे, इसे ऐसे करके पकड़ के दोनों हाथों। तो गाइस हम नॉर्मल कचौड़ी अपने हाथों से ही बनाते हैं, हम बेलन का यूज नहीं करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा बेलन कर दिया, पर मैं आपको हाथ से ही बनाकर दिखाऊंगी आगे की कचौड़ियाँ। यहाँ पर हम सूखा आटा थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसमें ये चिपके नहीं। अब इसी पे करीब फोकस है। तो बेलन ऐसे बनाई थी हम, बेलन ऐसे बनाई थी। हाँ हो गया, बस बन गया। सो गाइस फेस्टिवल पर हम लोगों का यही रूटीन होता है, हम पूरी फैमिली मिलकर खाना बनाते हैं और जो है इसकी तैयारी करते हैं। तो हम मम्मी जा रहे हैं कचौड़ियाँ बनाने। अमन लोग इसे ज़्यादा कर बस बनाओ कि बंद कर दें। नहीं एक दो कचौड़ी बना के खा देना, एक दो बना के दिखा दे ताकि एक मिनट की वीडियो हो ताकि जल्दी चली जाए। अच्छा रख नहीं जाता। तो फ्रेंड्स सब्जियां और कचौड़ियां हमने बना ली हैं और नेक्स्ट चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जो कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ क्या स्पेशल होता है। तो वो हमारे यहाँ स्पेशल जो रेसिपी होती है वो अब हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हमने जो खोया बनाया था उसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर और चीनी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर खोया डाल लिया है और इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लिए हैं। और नेक्स्ट चीज़ फ्रेंड मैं यहाँ पर डालूँगी चीनी जो कि हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और ये स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। लोगों के यहाँ सिर्फ होली पर गुजिया बनती है, बाकी जगहों पर सिर्फ होली पर गुजिया बनती है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेंड नागपंचमी को भी गुजिया बनती है और हर नागपंचमी को ये बनती है। मैं बचपन से ये चीज़ देखती आ रही हूँ। तो ये रेसिपी हमारे यहाँ नागपंचमी पर स्पेशल होती है, होली के साथ साथ नागपंचमी पर भी स्पेशल होती है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रवा यानी कि सूजी जो कि ऑप्शनल होता है, तो बहुत ही थोड़ा सा मैं डालूंगी और उसके बाद मैं इसको हाथों से मिक्स कर लूंगी। और तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है और गुजिया बनाने के लिए मैदा भी हमने पहले से तैयार कर रखा है। और अब हम सब लोग
हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है और हमने थोड़ा सा नमक पारा भी बनाया है। आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी नमक पारे हमारे हमारे नमक पारे बने हैं। और ये सारी तैयारी तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ होली पे होती है, पर हमारा जो हमारे यहाँ नागपंचमी पर भी ये सारी रेसिपीज बनती हैं। तो फ्रेंड पूरियाँ भी तैयार हो गई हैं और सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। तो आपने देखा क्या क्या हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या बनाते हैं और खाते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड।